हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं गीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल स्वस्तिका किचन हब पे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चिकन की एक डिफरेंट रेसिपी जिसका नाम है चिकन हरियाली या हरियाली चिकन। हरे मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, इसलिए इसे हरे मसालों का चिकन या फिर ग्रीन चिकन भी बोला जाता है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये दोस्तों। आप भी इसे कम मेहनत के आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी और आपकी भी रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चिकन हरियाली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन। पहले इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही 1/2 कप, नमक 2 टीस्पून या फिर आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है चलिए तब तक हम हरे मसाले बना लेते हैं। हरे मसाले बनाने के लिए मैं एक मिक्सर जार में 1 कप धनिया पत्ता ले रही हूँ और हम डाल देंगे यहाँ पे 1 कप पुदीना पत्ता, 5 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमारे चिकन हरियाली को एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है 10 से 12 काजू। आप इसके जगह आलमंड, तरबूज के बीज, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह बना लेना है आपको। इस हरे मसालों को हम अभी के लिए साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल और इसे भी गर्म होने देंगे। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट के लिया है। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से जाके वीडियो के नीचे लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए इतना ही आपको ब्राउन करना है प्याज को। अभी इसी स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे मैरिनेटेड चिकन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए चिकन का कलर कैसे चेंज हो गया है और पानी छोड़ रहा है। बीच बीच में आपको ऐसे ही चलाते रहना है। अभी यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च ऐड नहीं करिएगा। इसे डालने से हमारे चिकन हरियाली का कलर भी चेंज हो सकता है। अभी इसे हम और 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है चिकन। अभी इसी स्टेज पे हम हरे मसालों का जो पेस्ट बनाए थे वो ऐड कर लेंगे और चिकन के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे चिकन को पकाने के लिए और 10 से 15 मिनट लगेंगे। मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अभी हम 10 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगा के पकाएंगे। बीच बीच में आपको ऐसे ही ढक्कन निकाल के चलाना है।
नहीं तो ये नीचे से जल भी सकता है। और चिकन पका है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे और उसी हिसाब से चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक हम इसे पकाएंगे। पंद्रह मिनट बाद ये देखिए इतना ही ग्रेवी हमको चाहिए और चिकन भी हमारा अच्छे से पक चुका है। इस चिकन हरियाली को और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है क्रीम। ये ऑप्शनल है, आप क्रीम की जगह घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, मगर डालिएगा ज़रूर। इसे डालने से आप खुद देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी दिख रहा है और टेस्ट में बहुत डिलीशियस लगता है। दोस्तों एक बार अपने घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना अनुभव मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ, आप रोटी, नान या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, ये रेसिपी सभी को पसंद आएगी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। दोस्तों खुद ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चिकन हरियाली की लुत्फ़ उठा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ब्लॉगिंग साइट का फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अच्छे अच्छे पोस्ट डालती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।